चश्मा तो बड़ा अच्छा पहने हो, पहन लो। अब पूछो। मेरा सवाल है, अखिलेश यादव जो कहे हैं जो मैं दूध बेचता हूँ, अगर वो दूध बेचते हैं, मोदी जी चाय बेचते हैं लेकिन परिवार बात नहीं करते हैं, और अखिलेश यादव दूध बेच करके पूरे खानदान को इस राजनीतिक मैदान में उतार दिए हैं, दूध में तो महान मिलावट है मैडम, क्या कहें? जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए ये 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 जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनसे पूछो कि मोदी जी ने डीएनए पूछा था तब नहीं आवाज निकली थी जब डीएनए की बात की थी? अरे बिहार के लोग आपके डीएनए की बात पूछी थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डीएनए टेस्ट करा रहे थे, थोड़ा तो समझ जाओ, जो डीएनए टेस्ट कराते हो उनकी बात कर रहे हो। अरे हम लोग तो दूध बेच के देश के लिए विकास की बात करते हैं, वो चाय बेच के बात करते करते देश को झूठ और जुमले में फंसाना चाहते हैं और सबको बेरोजगार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ चंद लोग इस देश के अंदर में रोजगार पाएं, बाकी सारे लोग बेरोजगार हो जाए, और हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग रोजगार पा जाए, सारे लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की कोशिश की है। क्या मैं तो चैलेंज के साथ आपके मीडिया के सामने गिना रहा हूं, हम टिप्स पे अपने काम गिना सकते हैं। और अंजना जी मेरे बात से सहमत होंगी, लखनऊ में प्रोग्राम करके गई हैं, जहां जहां इन्होंने प्रोग्राम किया है वहां इनको विकास दिखाई दिया है। अगर झूठ बोल रहा हूं तो अंजना जी से पूछ लीजिए, इन्होंने जहां रिवर व्यू फ्रंट में प्रोग्राम किया क्या विकास नहीं था? इन्होंने जाके वहां पे घंटाघर में प्रोग्राम किया लखनऊ में, क्या विकास नहीं दिखाई दिया? विकास इनको हर जगह दिखाई दिया। आप बता दें पटना में प्रोग्राम कर रही है, जहां पे प्रोग्राम कर रही है क्या विकास मोदी ने कराया? वहां पे क्या विकास कराया तो बता दे। सवाल क्यों सिखा रहे हो? सवाल डरते हो क्या? नहीं डरते। सवाल मत सिखाओ। जी मैम, मेरा सवाल है बीजेपी से। हम लोग पैरामेडिकल का स्टूडेंट है, बिहार गवर्नमेंट सरकार का एग्जाम क्वालिफाई करके डीएमसीएच में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग की मांग, बहुत सारी मांग थी, जब हम लोग मांग किए स्वास्थ्य मंत्री से, श्री मंगल पांडे जी से, कि हम लोग की मांग पूरा किया जाए, नहीं हुआ। और हम लोग को जब रूम में जब करने गए तो हम लोग को धक्का मार के निकाला गया और बोला तुम लोग का नोटिस भेजा, तुम लोग का नाम कटवा देंगे, हम लोग को रहने के लिए व्यवस्था नहीं। हम लोग का कोई वक्त है और स्थानीय मुद्दे भी आते हैं। 8 बजे जब शो करेंगे तो ये सब सवाल पूछेगा, 8 बजे जब पूछेंगे तब ये सब सवाल कीजिएगा, कुछ और लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे। मैडम हम 5 साल से टीटी पास करके बेरोजगार बैठे हुए हैं और यहाँ बिहार में 3 लाख पदों का शिक्षक का पद खाली है, जिसके कारण हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा चुका है। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब और एनडीए के सरकार आने के बाद एक भी टीचर का पद खाली नहीं है। रोजगार को समझिए प्रेम शुक्ला जी, रोजगार समझिए। तमाम सर्वेज में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आ रहा है, निश्चित और यही वो मुद्दा है जो आपको समेट सकता है। ये चाय वाला, दूध वाला, सब धरा का धरा रह जाएगा। नहीं, रोजगार हमारे लिए बहुत प्राथमिकता है। देखिए यहाँ हम तो जो है रोजगार में, रोजगार सृजन, रोजगार निर्माण, राष्ट्र निर्माण, और जो भी नागरिक है उनको बाल्य अवस्था से शैशव अवस्था से लेकर रिटायरमेंट तक उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने वाला अगर कोई प्रभावी, लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करने वाली कोई सरकार 70 वर्षों में रही है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है। और लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए सबके जीवन में प्रकाश आ गया है, ऐसा हमारा दावा नहीं है। लोगों को रोजगार के अवसरों, चूंकि जिस तरह से जो है टैक्स किटीज खाली थी, सरकार जो है उसमें रोजगार के अवसर होने के बावजूद भर्तियां नहीं कर पा रही थी, उनकी ऐसी स्थिति की गई है कि अब भर्तियां करने की स्थिति में आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर सरकारी और निजी क्षेत्र में भी जबरदस्त रोजगार निर्माण और विकास के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए विकास आधारित चुनाव अगर कोई लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। शेष दरों का कहीं से भी एजेंडा विकास नहीं है, कोई वंश है, कोई जाति है, कोई गोत्र है, कोई संप्रदाय है, कोई बांग्लादेश तक के आर्टिस्ट उठा ला रहा है भैया मुझे जो है चुनाव में वोट दे दो। भारतीय जनता पार्टी लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य करने वाली, और 75 वर्ष जब स्वतंत्रता के पूरे हों तो हम किस तरह से एक राष्ट्र के रूप में खड़े हों उसकी समग्रता से ब्लूप्रिंट लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल जी। मेरा कांग्रेस के समर्थकों से ये सवाल है,
कि जब उनके अध्यक्ष खुद ही बेल पर हैं और उनके भूतपूर्व अध्यक्ष भी बोफोर्स के दलाली में हैं, तो वो किस अधिकार से मोदी को छोड़ बोल रहे हैं? रोहन गुप्ता जी, मुझे लगता है यहाँ आपस में ही भिड़ गई है लोगों की। कुछ आम लोगों के सवाल लेते हैं, आप पूछे। हेलो मैडम, मेरा सवाल जो है बीजेपी के गठबंधन से है। जिस पार्टी को पूरे बिहार में 2 सीट मिला, उस पार्टी के साथ बीजेपी को गठबंधन करने का क्या जरूरत? गठबंधन ही नहीं, आधी सीटें दे दी। गठबंधन ही नहीं हो गया, गठबंधन ही नहीं, आपने आधी सीटें दे दी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी प्रेम शुक्ला जी? हालांकि तमाम शो तो राष्ट्रतिलक में 8 बजे होने थे, लेकिन जिस जेडीयू ने 2014 में 2 सीटें जीती थी उसको आपने इतनी सीटें दे दी। राजनीतिक सौजन्य और सहृदयता है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को पूरी तरह से नियम बनाकर जिसने बिहार को जंगल राज से मंगल राज परिवर्तित करने का कार्य किया, उस व्यक्ति को, उस पार्टी को, सहयोगी को और बिहार के हित में हमें ये गठबंधन किया हुआ है। ठीक है, हमारे साथ मिश्रा जी भी बैठे हुए जेडीयू की तरफ से, सत्य प्रकाश मिश्रा जी। सवाल यही है, देखिए मैं जहां जहां पर जा रही हूँ, ये दूध वाला, चाय वाला, इन सब पर तो बवाल मचता रहता है। लोगों को नौकरी चाहिए। ये दूध वाला, चाय वाला बवाल चलता रहेगा, लोगों को चाहिए नौकरी। अंजना जी, बात करते हैं कि टीचर्स को लेकर जो वैकेशन है वो क्यों नहीं भर्ती हो रही है। मिश्रा जी, अंजना जी, बिहार विकास की राह पर है। 11.3% का विकास दर जिस राज्य का हो जो देश में सर्वाधिक है। और जहां तक एक नौजवान ने सवाल उठाया शिक्षकों की भर्ती का, उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री कर चुके हैं कि वो बहुत जल्द भरा जाएगा। और जहां तक ये दूध वाला, चाय वाला, पान वाला ये जो चल रहा है, ये उनकी बौखलाहट, जो हमारे नेता के विजय यात्रा को देखते हुए उनकी जो बौखलाहट शुरू हुई है चुनाव पूर्व, वो ऐसे ऐसे बयान देते जा रहे हैं जिससे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो परिवार वाले नहीं हैं, परिवारवाद की राजनीति का समर्थक और पूरे परिवार को राजनीति में एक तरह से रोजगार देने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुंह से दूध वाला शब्द यदि निकल रहा है तो समझिए कि वो जमीन खो चुके हैं, उनकी जमीन खिसक चुकी है और चुनाव होने से पूर्व पहले उनकी बौखलाहट साबित कर रही है वो चुनाव हार चुके हैं। लेकिन मिश्रा जी, इसमें गलत क्या कहा है? कहिए, बिना तो चाय बन नहीं सकती। नहीं, आप दूध वाला कहिए, क्या आपने कभी देखा, आपने कभी ये देखा? या जैसे सुशील मोदी जाकर मानहानि का केस कर रहे हैं सभी मोदी चोर हैं कहने पर, वो एक तरीके का कास्ट कार्ड है। यहाँ पर एक तरीके का कास्ट कार्ड है, हर कोई वही कर रहा है। देखिए, जब हमने विकास किया है देश का, उसके बाद यदि कोई हमला इस तरह से करे कि जैसे वो अपनी जमीन को जोगने की कोशिश कर रहा हो, आप बताइए कि अखिलेश यादव अचानक दूध वाला एक मेटाफर लेकर क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी जमीन बुआ के गोद में बैठने के बाद भी बबुआ हारने के कगार पर हैं, तो एक परिवार वाला क्या बताएगा? वो कहेगा कि शायद मैं दूध वाला बोलूंगा तो कुछ वोट मिल जाएगा, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। सुशील मोदी नहीं, आप किसी पूरी जाति को चोर बताइए। हताशा की निशानी कह रहे हो आप शायद ये भूल रहे हैं। हाँ, इनको ये बता दो जी, हताशा कह रहे हो बिल्कुल, इसीलिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2014 में मोदी जी चाय वाला बन के आए थे, लोगों को बोला था कि मैं बहुत आऊंगा पूरे देश के अच्छे दिन आ जाएंगे, और फिर 2019 में भी चाय वाले की बात कर रहे हैं। इसके मतलब कि मोदी जी हताशा हैं, और हम तो 2014 से लेके 17 से लेके 19 तक आज भी विकास का काम गिनाते हैं, डंके की चोट पे गिनाते हैं। हमने एक्सप्रेस बनाया, हमने मेट्रो बनाई, हमने समाजवादी पेंशन दी, हमने 1090 दिया, हमने 100 डायल पुलिस का किया, 108 हमने दिया एम्बुलेंस, यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं गांव में स्वास्थ्य के लिए, आप बताइए ना। उसके बाद हमने आपको हैसियत दिखाई कि चाय बेचते घूमते हो लेकिन उसमें दूध हमारा है, और गलती है कि आप उसमें अफीम मिला देते हो जिससे हमारे लोग थोड़ा बहक जाते हैं। ये अफीम मिलाना चाय में बंद कर
दो, चाय में पानी मिलाना बंद कर दो, ये जो आप नोटबंदी रूपी पानी मिलाते हो, जो आप घोटाला का पानी मिलाते हो, बंद कर दो, हमारा देश अपने आप सुधर जाएगा। आप काम दिलाओ ना, काम लाओ की आप नहीं हो, काम आप कभी नहीं दिलाते हो, आप जब भी बात करते हो जाति धर्म की बात करोगे, आप इमोशन की बात करोगे। हमने तो सारे बाबू को याद दिलाया है कि चाय चाय मत बोलो, उसमें चाय में दूध हमारा है, लेकिन हम आपको गिनाते नहीं है। दूध वाले को चाय वाले में क्यों बौखलाना चाहिए? मुझे पता है आप दूध का धंधा आपके कारोबार में, आपको बता रहे हैं सर, दूध का धंधा जो है चाचा शिवपाल ले गए, इसलिए आपको आपके पास तो दूध का धंधा गया, आपका दूध का धंधा बंद हो गया, आपका टोंटी का धंधा है, टोंटी लगाओ संपत्ति पाओ। अरे मेरा दूध का धंधा चलेगा, अगर मेरा दूध का धंधा नहीं होगा तो मोदी जी चाय कहाँ से बनाएंगे, चाय चाय कहाँ से लाएंगे? पुत्र आप एसपी जी की स्वीकृति लेंगे, रोजगार की बात कर रहा है, हर व्यक्ति आम आदमी आपसे बेरोजगारी की बात करता है, लेकिन आप बोलना ही नहीं चाहते। अरे आप बोलिए ना, आम जनता आपसे बेरोजगारी की बात करती है, हर जनता से जहाँ जहाँ अंजना जी जा रही वहीं पे बेरोजगारी की बात हो रही है, लेकिन आप बेरोजगारी पे बोलना नहीं चाहते। रिपोर्ट कार्ड मांगिए उनके पास अंजना जी, जो 2014 में जो वादे किए थे। देखिए अंजना जी, मुद्दा जितनी भी देखिए, एक बार आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो चाय वाला के नाम से, 5 साल देश की जनता ने आपको दिल से वोट दिया, दिल से आप पे भरोसा किया, आपने क्या किया है? गरीबी का वादा हमें किया, महंगाई बढ़ी हुई है, लोग क्या विकास किया आप मुझे बताइए? 5 साल उनको चाहिए कि ये मौका दिया, हमारे ये मुद्दे थे, हमने ये काम किए, उनके पास बोलने के इसीलिए चार साल की बात वापस लेके आपके सांसद के लिए कुछ उनके पास 15,000 रुपए 5 लाख गिनवाया ना, राम मंदिर बना, ऊपर से राफेल की चोरी की इन्होंने, घर में पहुंचा दिया, मुद्दा पूरा नहीं किया, काला बाजारियों को चिंता होगी, ये जो थे वो भी काला बाजारियों को लाल आवाज आता है, चले गए, हमने काला बाजारियों को परेशान कर दिया, काले कारनामों को पास की नहीं है, ये विपक्ष के लिए ही बने हैं, अब किसान है फिर भी एक दो सवाल और जमीन से ले, इनके अहंकार को देश की जनता जवाब देगी। दामाद जी जमीन कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, दामाद जी को भू कब्जा करने का, एक सेकंड एक दो सवाल और ले रहे हैं, सुनिए। अखिलेश जी जो आज चाय 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 कर रहे हैं और बोले जो हम दूध वाले हैं, जो आप दूध में कितना भी मिलावट कर ले, चाय बनाने वाला श्योर है, प्योर है और श्योर ही रहेगा। अनुराग भदौरिया जी, चाय बनाने वाला, चाय बनाने वाला उसमें अफीम मिला रहा है, प्योर कैसे है चाय बनाने वाला? हम तो उसको अच्छा, हम तो अच्छा दूध देते हैं, लेकिन दूध में अफीम मिला के बेच रहे हैं जनता को, अब इसको हमें पकड़ना है, ऐसे चाय वाले को मुझे पकड़ना है जो हमारे दूध के नाम पे अफीम मिला रहा है उसके अंदर में।